Global advertise for innovative outdoor solution. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. Global advertise for innovative outdoor solution. नमस्कार, स्वागत है आपका एनीवन न्यूज में। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ तुहिना चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बजट सत्र में 3 तलाक विधेयक समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होने की आशंका है। सरकार ने भी कल ऐसी बैठक बुलाई है जहां प्रधानमंत्री और शीर्ष विपक्षी नेता उन मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं जो सदन में उठाए जा सकते हैं। इस सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सरकार 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी और फिर 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा। दिल्ली में हो रही सीलिंग को लेकर व्यापारियों ने आज एक बैठक बुलाई थी। दिल्ली के सभी व्यापारी संघ इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद व्यापारियों ने 2 और 3 फरवरी को दिल्ली बंद का ऐलान किया है। दिल्ली में 5000 जगहों पर सीलिंग विरोधी प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में व्यापारी सीलिंग की मॉनिटरिंग कमेटी से भी मिलेंगे। सीलिंग बंद ना होने पर जनप्रतिनिधियों के घरों का भी घेराव किया जाएगा। IPL 11 के लिए बेंगलुरु में IPL की नीलामी की गई। इस नीलामी में 360 भारतीयों सहित 578 खिलाड़ियों के लिए बोली लगनी थी। सभी फ्रेंचाइजी मालिकों में दमदार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जोरदार टक्कर देखने को मिला। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस टीम ने किस किस खिलाड़ी को कितनी रकम खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया है। किंग्स 11 पंजाब ने फाफ डू प्लेसिस को 1,60,00,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन चेन्नई ने राइट टू मैच कार्ड का उपयोग किया और उन्हें फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया। हरभजन सिंह को चेन्नई ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। किंग्स 11 पंजाब ने ड्वेन ब्रावो को 6,40,00,000 में खरीदा, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर अपना राइट टू कार्ड का उपयोग कर उन्हें अपनी टीम में बनाए रखा। शेन वॉटसन को 4 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने बेड़े में शामिल किया। टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी केदार जाधव को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल करने के लिए 7,80,00,000 रुपए खर्च किए हैं। कोलकाता की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार को 9,40,00,000 में अपने बेड़े में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार खिलाड़ी क्रिस लीन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9,60,00,000 रुपए खर्च किए हैं। किरण पालोट को दिल्ली डेयर डेविल्स ने 5,40,00,000 में ले लिया था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने राइट टू मैच कार्ड के जरिए उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल किया। शिखर धवन को किंग्स 11 पंजाब ने 5,20,00,000 में खरीद लिया था, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को हैदराबाद ने 2 करोड़ में खरीदा है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में 3 करोड़ में खरीदा है। मनीष पांडे को सनराइजर्स ने 11 करोड़ रुपए खर्च कर अपने बेड़े में शामिल किया है। T20 विश्व कप के फाइनल में 4 गेंद पर 4 छक्के लगाने वाले वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी कार्सोल ब्रेथवेट को हैदराबाद ने 2 करोड़ रुपए में शामिल किया। यूसुफ पठान को किंग्स 11 पंजाब ने 1,90,00,000 में खरीदा। कोलकाता में पठान के लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। किंग्स 11 पंजाब ने 7,60,00,000 रुपए में टीम इंडिया के दिग्गज स्पिन गेंदबाज आर अश्विन को खरीद लिया है। प्रीति जिंटा की टीम ने युवराज सिंह को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। करुण नायर को पंजाब ने 5 करोड़ में खरीदा। लोकेश राहुल को पंजाब ने 11 करोड़ रुपए में खरीदा है। मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में डेविड मिलर को खरीद लिया था, लेकिन पंजाब ने मिलर को राइट टू मैच के जरिए अपनी टीम में बनाए रखा है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज एरोन फिंच को 6,20,00,000 में अपनी टीम में शामिल किया है।
ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को आरसीबी ने 6,20,00,000 रुपए खर्च कर अपनी टीम के लिए खरीदा था, लेकिन प्रीति जिंटा की टीम ने उन्हें राइट टू मैच के जरिए अपनी टीम में बनाए रखा है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स को 12,50,00,000 रुपए में रॉयल्स ने खरीदा। पंजाब ने अजिंक्य रहाणे को 4,00,00,000 में खरीदा है, लेकिन राजस्थान की टीम ने राइट टू मैच के जरिए वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया है। स्टुअर्ट बिन्नी को राजस्थान रॉयल ने 50,00,000 में अपनी टीम के लिए खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के धुआंधार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को दिल्ली की टीम ने 9,00,00,000 में खरीदा। गौतम गंभीर को दिल्ली ने 2,80,00,000 रुपए खर्च कर खरीदा है। इंग्लैंड के धुरंधर ओपनर जेसन राय को 1,50,00,000 में अपनी टीम में शामिल किया है। न्यूजीलैंड के तेज तर्रार ओपनिंग बल्लेबाज कॉलिन मुनरो को डीडी ने 1,90,00,000 रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। मुनरो को बेस प्राइस 50,00,000 रुपए था। आरसीबी ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम को 3,60,00,000 रुपए में खरीदा है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस वोक्स को बैंगलोर ने 7,40,00,000 में खरीदा है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम को आरसीबी ने 2,20,00,000 रुपए खर्च कर खरीदा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली को आरसीबी ने अपने 1,70,00,000 रुपए खर्च कर अपने बेड़े में शामिल किया। इस बार की नीलामी में सभी टीम मालिकों के लिए क्रिकेटरों को खरीदने का बजट बढ़ा दिया गया है। टीमों के पास 80-80 करोड़ रुपए थे, जिनमें से उन्हें कम से कम 75% खर्च करने होंगे। इसी राशि में से टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। आईपीएल के 11वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस बार कई दिग्गज खिलाड़ियों पर कम रुपयों की बोली लगी है, तो कई छोटे खिलाड़ी ज्यादा पैसों में बिक गए हैं। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को 12,50,00,000 रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। भारत के एल राहुल को पंजाब ने 11,00,00,000 में खरीदा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्कॉट अब कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलेंगे। उन्हें कोलकाता ने 9,40,00,000 रुपए में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैक्सवेल को दिल्ली डेयर डेविल्स ने अपनी टीम के लिए 9,00,00,000 में खरीद लिया है। टॉप 5 खिलाड़ियों में भारत के अश्विन का नाम भी शामिल है। उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने 7,60,00,000 रुपए में खरीदा है, तो वहीं वेस्ट इंडीज के 11 ब्रावो की चेन्नई सुपर किंग्स ने 6,40,00,000 की बोली लगाई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कर्फ्यू के बीच आज फिर से हिंसा भड़क उठी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव के बाद कासगंज का माहौल हिंसक हो गया था। कासगंज के नगर कोतवाली इलाके में दो समुदायों के बीच में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद बीती रात से ही इलाके में कर्फ्यू जारी है। इलाकों में बड़ी संख्या में आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात हैं। हालांकि अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मथुरा बरेली हाईवे पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। तिरंगा यात्रा जब नगर कोतवाली इलाके के बिलराम गेट के पास से गुजर रही थी, तो नारेबाजी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुई। कहासुनी और झड़प बढ़कर हिंसा में तब्दील हो गई और तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों पर पथराव भी किया गया। इसके बाद हिंसा और भी भड़क उठी। दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ और कई वाहनों को आग भी लगा दी गई और जमकर तोड़फोड़ की गई। हिंसक झड़प के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। झड़प में दर्जन लोगों घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। यह मिनी बस थी जिसमें 16 लोग सवार थे। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। शिवाजी ब्रिज पर हुए इस हादसे की वजह ड्राइवर के हाथ से नियंत्रण छूट जाना बताया जा रहा है। गाड़ी पुणे की ओर जा रही थी। कोल्हापुर में एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। आसपास से गुजरने वाले लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया।
पंजाब की नाभा जेल से 5 अन्य कैदियों के साथ फरार हुए कुख्यात अपराधी विकी गोंडर को पंजाब पुलिस एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के एक गांव के पास हुई। सनसनीखेज नाभा जेल ब्रेक मामले के मास्टरमाइंड के साथ एक अन्य गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया भी शुक्रवार शाम हुई मुठभेड़ में मारा गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक कुख्यात अपराधी घायल हो गया, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने गुरुवार शाम लगभग 4 बजे से नौशेरा सेक्टर को निशाना बनाया है, तब से फायरिंग जारी है। शुक्रवार देर रात एक स्थानीय निवासी गोलीबारी में घायल हो गया है, उसे फौरन नौशेर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौशेरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार ने बताया कि पिछले कुछ दिन में पाक की ओर से फायरिंग काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गोलीबारी और अधिक बढ़ने की स्थिति में लोगों की सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घायलों के इलाज और गोलीबारी से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए डिप्यूटी कमिश्नर को आवेदन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने सरकारी आवास ऑफ ओवर से शक्ति ऐप की शुरुआत की है। कोई भी महिला जो संकट में हो, ऐप का लाल बटन दबाकर मदद ले सकती है। यह ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा पुलिस के लिए तैयार की गई है। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी अजय सिंह चौहान ने बताया है कि ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐप किसी भी तरह की झड़प के दौरान निकटतम पुलिस नियंत्रण कक्ष में 20 सेकंड के भीतर संदेश भेजेगी और इसमें ऑटो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515 और होशियार सिंह हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1090 की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने गुड़िया और होशियार सिंह हेल्पलाइन के दोनों टोल फ्री नंबरों पर स्वयं बात की और राज्य पुलिस विभाग और राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इस पहल के लिए बधाई दी है। ठाकुर ने कहा कि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए यह एक पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में इंडिया हाउस के बाहर पाकिस्तानी मूल के भारत विरोधी लोगों ने हंगामा किया। इसके जवाब में भारत समर्थक लोग भी उन्हें खदेड़ने के लिए वहां जमा हो गए। पाकिस्तानी मूल के लॉर्ड नाजिर अहमद के नेतृत्व में लंदन स्थित इंडिया हाउस के बाहर भारत विरोधी अभियान शुरू किया। इस दौरान भारत विरोधी भीड़ ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। भारत विरोधी इस हंगामे की खबर लगते ही लंदन में मौजूद भारतीय चलो इंडिया हाउस की मुहिम के साथ अहमद के प्रदर्शन का विरोध करने वहां पहुंच गए। इसके बाद हंगामे को शांत कराने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के अधिकारियों ने वहां पर अपने गार्ड तैनात कर दिए। हर तरफ से विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की पद्मावत ने पहले दिन धमाकेदार कमाई की है। अभी तो ये फिल्म 4 राज्यों में रिलीज नहीं हुई है, तब ऐसी कमाई हो रही है और कई नए रिकॉर्ड बने हैं। अगर ये फिल्म पूरे देश में रिलीज होती फिर तो आंकड़े कुछ और ही होते। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले यानी 24 जनवरी को पेड स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इसके साथ अब इस फिल्म ने 33 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ये कमाई इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी अगर फिल्म सभी राज्यों में रिलीज हो गई होती। कृति सेनन ने 4 साल में ही बॉलीवुड में अपने पांव जमा लिए हैं। कई हिट फिल्में करने वाली कृति की बहन नुपुर भी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। नुपुर हॉलीवुड फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार के रीमेक में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ सकती हैं। फॉल्ट इन आवर स्टार के रीमेक से मुकेश छाबरा बॉलीवुड में पहली फिल्म निर्देशित करने जा रहे हैं। फिल्म में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पहले से ही कास्ट कर लिया है। साथ ही फिल्म की पटकथा पर काम चल रहा है। इसी बीच खबर है कि एक्टर सुशांत ने फिल्म में हीरोइन की भूमिका के लिए अपनी गर्लफ्रेंड कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन का नाम सुझाया है। इस हॉलीवुड फिल्म से वो अपने करियर का आगाज कर सकती हैं। कुछ रोज पहले कृति ने भी नुपुर के बॉलीवुड में काम करने की इच्छा के बारे में बताया था।
एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बहन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि नूपुर अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बनाना चाहती हैं। उन्हें खुशी है कि उनकी बहन अपने तरीके से काम करना चाहती हैं और अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। आगे अपना उदाहरण देते हुए कृति ने कहा कि कुछ साल पीछे मुड़कर अगर देखें तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। आगे अपना उदाहरण देते हुए कृति ने कहा कि कुछ साल पीछे मुड़कर अगर देखें तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। आगे उन्होंने कहा कि नूपुर फिलहाल अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हैं। अपनी तरफ से मैंने उन पर कोई प्रेशर नहीं डाला है, उनको सलाह दी है कि वो अपने दिल की सुने और जो उन्हें बेहतर लगता है वो ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ग्लोबल एडवर्टाइज फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट, एंड दैट इज द रीजन आवर क्लाइंट्स डू कीप ऑन कमिंग again and again to us for our service. Global advertise for innovative outdoor solutions.